CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा एक के छात्रों के लिए कार्यक्रम जीभ। आलेख मधुपंत का है और इसे प्रस्तुत कर रही हैं धृति चौधरी। बच्चों, तुम ये बातें सुन तो रहे हो अपने कानों से, लेकिन बातें सुनने में तुम मुझे तो भूल ही गए। जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं जानते? अरे, मेरे बिना तुम बोल ही नहीं पाओगे। क्या कहा? मैं कान हूँ? नहीं भाई, नहीं। कानों की जरूरत केवल सुनने के लिए ही है, लेकिन मेरी जरूरत किस काम के लिए पड़ती है जानते हो? बोलने के लिए। अब तो पहचान गए ना? हाँ, मैं जुबान हूँ। जुबान, मुझे जीभ भी कहते हैं। तुम्हें तो मालूम है बच्चों कि मेरा काम बोलने का है। तुम सभी जो कुछ भी बोलते हो मेरी ही मदद से बोलते हो। बोलने के अलावा मेरा एक और काम है, वो है भोजन का स्वाद बताना। मैं ही तो तुम्हें बताती हूँ कि लड्डू मीठा है ना? जीभ से चखकर ही तो तुम चीजों का स्वाद जान पाते हो। नींबू खट्टा है, ये मेरी मदद से ही तो मालूम पड़ता है। मिर्च का तीखा स्वाद मैं ही तो तुमको बताती हूँ। अगर मैं ना होती तो तुम ये तरह तरह के मीठे, खट्टे, नमकीन, तीखे, चटपटे स्वाद कैसे पता लगाते? तरह तरह के स्वादों के नाम से मुंह में पानी तो नहीं भर आया? लेकिन उसके अलावा तुम मुझसे एक और काम भी तो लेते हो ना? बताऊं? वो काम है जीभ निकालकर चिढ़ाने का। अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो तुम जीभ निकालकर चिढ़ाते हो ना? चिढ़ाते हो ना भाई? जरा सब लोग अपनी जीभ निकालकर दिखाओ तो कैसे चिढ़ाते हो। हाँ, शाबाश। अब तुम्हें जीभ का एक और काम बताऊं। जीभ से बोलने के अलावा तरह तरह की आवाजें भी निकाली जा सकती हैं। तुम्हें भी सुनाऊं वे तरह तरह की आवाजें? लो सुनो। ये आवाज तो तुम्हारी जानी पहचानी है ना? अपने ढोरों या जानवरों को हांकने के लिए ये आवाज किसान निकालता है। जीभ को तालू से लगाकर बोलोगे तो तुम भी निकाल सकते हो ये आवाज। हाँ हाँ, बोलो। हाँ, और अब सुनो ये आवाज। ये है टांगे का घोड़ा चलाते समय की आवाज। ये भी मेरा ही
यानी जीभ का कमाल है। और अब जीभ को ऊपर वाले दांतों पर लगाकर जरा छोड़ो तो। तो देखो ये भी जीभ का कमाल है। और सुनो जीभ का अगला कमाल। ये सीटी की आवाज तो शायद तुम भी निकाल सकते हो। अरे भाई सीटी बजा सकते हो ना। अच्छा कोशिश करके देखो, जीभ को जरा सा घुमाकर हवा निकालो तो सीटी की आवाज निकलेगी। निकालो तो सीटी की आवाज। हां हां बजाओ सीटी। और तरह-तरह की चिड़ियों की आवाजें भी निकलती हैं जीभ से। और ये सुनो अगली आवाज, ज़ूम। अरे ये सचमुच का हवाई जहाज नहीं उड़ रहा है, ये है जुबान से निकली आवाज का कमाल। और इस आवाज को तो सभी पहचानते हो, चुक 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 चुक। ये रेलगाड़ी की आवाज भी जीभ की मदद से ही निकाली गई है। अरे रे 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 रे, तुम सबकी भी चलने लगी छुक छुक गाड़ी। बस भाई बस, छुक छुक रेलगाड़ी का चलाना बंद। और ये खास आवाज भी निकली है जीभ से। तो ये तरह-तरह की आवाजें निकलती हैं जीभ की मदद से। अब समझ गए ना कितने काम की चीज हूं मैं। अब बच्चों तुम्हें अपनी जुबान से ही एक कहानी सुना दूं। एक लड़का था जिसका नाम था भोलू। भोलू के पास एक गाय थी और एक था कुत्ता। भोलू रोज नदी के किनारे गाय को लेकर जाता था। नदी के किनारे हरी-हरी घास थी ना, इसलिए वही घास चराने भोलू गाय को ले जाता। उसके साथ कुत्ता भी जाता था। एक दिन भोलू अपनी गाय और कुत्ते के साथ नदी के किनारे बैठा था। तभी उसने नदी के अंदर से एक मेंढक को निकलते हुए देखा। मेंढक ने अपनी जीभ निकाली और देखते ही देखते एक कीड़ा पकड़ लिया। भोलू बोला, वाह मेंढक भाई, ये तो तुमने बड़ा कमाल कर दिया। बड़े मजे से बैठे ही बैठे अपना खाना खा लिया। ये सुन मेंढक बोला, टर 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 टर, ये कमाल है मेरी जीभ का। मेरी जीभ चिपचिपी होती है ना, इसलिए मेरा शिकार मेरी चिपचिपी जीभ पर चिपक जाता है। मुझे कीड़े मकोड़े पकड़ने में बड़ी आसानी होती है। देखा मेरी जीभ कितने काम की है। टर टर, बड़े काम की मेरी जीभ, बड़ी चिपचिपी है ये जीभ। कीट मकोड़े ये चिपकाकर भोजन मुझे दिलाती जी। मेंढक की ये बात सुनते ही कुत्ता बोल उठा, अरे मेरी जीभ का क्या कहना,
और लोग तो खाना खाने के लिए जीभ को काम में लाते हैं। मैं तो जीभ से ही सड़प सड़प कर पानी दूध सब पी जाता हूँ। इसके अलावा अगर कहीं चोट लग जाए तो मैं अपनी जीभ से ही चाट चाट कर चोट भी ठीक कर लेता हूँ। बड़े काम की मेरी जीभ, दूध सड़प कर जाती जीभ। जहाँ कहीं भी चोट लगी हो चाट ठीक कर लेती जीभ। अभी तक गाय चुपचाप बैठी जुगाली कर रही थी। कुत्ते की बात खत्म होते ही वो बोली, बा बा। अरे भाई, मैं तो और सब कामों के अलावा अपनी सफाई भी जीभ से ही कर लेती हूँ। अपनी नन्ही बच्चिया को भी तो मैं अपनी जीभ से ही चाट चाट कर साफ सुथरी बना देती हूँ। बड़ी काम की मेरी जीभ भाई, बड़ी काम की मेरी जीभ, खूब सफाई रखती जीभ। चाट चाट कर नन्ही बच्चिया साफ बना देती है जीभ। उन सब जानवरों की बातें सुनकर भोलू बोला, अरे मैं तो सोचता था कि हमारी जीभ सिर्फ बोलने के लिए और स्वाद बताने के लिए ही है। मुझे तो आज मालूम पड़ा कि तुम सब की जीभ भी बहुत काम की है। और फिर भोलू चल पड़ा गाय और कुत्ते के साथ अपने घर की ओर। प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।